क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे टाइप स्क्रिप्ट, और आज हम सीखेंगे फेच और एसिंक अवेट को। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी प्रॉमिस वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि आप इस वीडियो से कनेक्ट हो जाएं। तो चलें शुरू करते हैं। फेच, हम फेच के बारे में पहले पढ़ते हैं। फेच क्या है? फेच एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस कैसे रिटर्न होता है वो हम जानेंगे, तो हम यहां नोट करते जाते हैं कि फेच प्रॉमिस रिटर्न करता है। वो प्रॉमिस क्या है? वो प्रॉमिस इसी तरह का कोई प्रॉमिस होता है जो हमने प्रॉमिस वाली वीडियो में सीखा। फेच फंक्शन को एक एपीआई की जरूरत होती है, रिक्वायर एपीआई। अब सवाल यह है कि एपीआई क्या है? एपीआई क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक ब्रिज है जो डेटा को ले आने और ले जाने का काम करती है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें। तो अभी इस केस में हमें सिर्फ डेटा ले आना है, तो हमें एक एपीआई की जरूरत है। तो हम एक एपीआई पहले ढूंढ लेते हैं। आप ये जेसन प्लेस होल्डर सर्च करेंगे गूगल पर, जो पहला लिंक हो उसमें चले जाए। यहां पे आपको बहुत सारी एपीआई मिल जाएगी। ये देखें, ये सब गेट की है एपीआई, और ये मुख्तलिफ एपीआई की किस्म है। गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, पैच, इनके बारे में फिलहाल फिर कभी हम बात करेंगे। हमें एक गेट की एपीआई चाहिए। हम चले जाते हैं पोस्ट पर। तो देखिए, इस एपीआई में इन 100 पोस्टों का डेटा हमें मिल गया। ये डेटा किसी सर्वर से आ रहा है इस एपीआई के थ्रू, ठीक है। बट हमें बहुत सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें एक डेटा चाहिए। तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट मिल गया इस एपीआई के थ्रू, और ये एपीआई किसी सर्वर से हमें एक ऑब्जेक्ट लाकर दे रही है। तो हम इससे कॉपी कर लेते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। लेट URL और API, मैं जरा जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। अब हम फेच का सिंटेक्स बनाते हैं। तो पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट फेच डेटा, क्योंकि हम डेटा को फेच करें, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद फेच का फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। अब जब हमने फेच को सिंटेक्स लिखा तो उसने क्या कहा कि इसे एक URL चाहिए। तो URL हमने ऑलरेडी गेट करके रखी हुई है, तो हम इसे वो दे देते हैं URL। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। और फिर से मैं जूम कर देता हूं और अपने कंपाइलर को पहले ऑन कर देते हैं, TSC-W मतलब वॉच। अब हमने कहा था कि फेच का फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉमिस या तो पेंडिंग होगा या रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। और प्रॉमिस जब भी हमें मिलता है तो उसके साथ हमें डॉट देन और डॉट कैच का फंक्शन भी मिल जाता है। तो पहले हम फेच को कंसोल करते हैं कि आया हम देखें इसमें हमें मिल क्या रहा है। चलो कंसोल डॉट लॉग फेच डेटा सेव करते हैं, अपनी फाइल को चलाते हैं। ये देखें, हमें एक प्रॉमिस मिल गया जो कि अभी पेंडिंग पोजीशन में है, ठीक है। यहां तक आ गए। मैंने कहा जब प्रॉमिस मिलता है तो हमें दो मेथड मिल जाते हैं, डॉट देन और डॉट कैच। डॉट देन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, हम यहां पे वो कॉल बैक फंक्शन बना देते हैं, और इसी तरह एक कॉल बैक फंक्शन कैच लेता है। अब इसको रीडेबल बना देते हैं जरा ताकि समझ में आ जाए। अब ये प्रॉमिस या तो रिजोल्व होगा या रिजेक्ट होगा। अगर ये रिजोल्व होगा तो मतलब इस यूआरएल से जो भी डेटा मिल रहा है, इस URL से जो भी डेटा मिल रहा है वो यहां पे हमें पैरामीटर में मिल जाएगा। यहां पे पैरामीटर हमें मिल जाएगा, और
उसे हम क्या कह रहे हैं कि भाई उसे हमें कंसोल करके बता दें, और इसे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सेव करते हैं, यहां पे एक और प्रॉब्लम आएगी, मैं चाह रहा हूं वो प्रॉब्लम आप देख लें। फिलहाल हम कैच को हटा देते हैं ताकि हम उसे ठीक से जान सकें। अगर यूआरएल से डेटा हमें मिल जाता है, मतलब प्रॉमिस रिजोल्व हो जाता है, तो वो डेटा हमें रिस्पॉन्स में मिल जाएगा, और वो डेटा हम कंसोल करना चाह रहे हैं जो इस यूआरएल से हमें मिलेगा। हम दोबारा अपने एप्लीकेशन को चलाते हैं, ये हमें डेटा मिल गया, लेकिन ये डेटा कुछ अजीब है, हमें रीडेबल नहीं है। तो क्यों रीडेबल नहीं है, जबकि यहां तो रीड हो रहा है, यहां तो हमें एक ऑब्जेक्ट है सिंपल, उसमें कुछ प्रॉपर्टी है और कीज है, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें वो जेसन फॉर्मेट में चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं इसे कि ये जो रिस्पॉन्स है इसे आप जेसन में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद डॉट देन, उसके बाद जो डेटा आपको मिलता है वो मुझे कंसोल में लाकर शो कर दें। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये वाला स्टेप बढ़ा दिया, एक डॉट देन और लगा दिया, और यहां से जब वो जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें इस वाले देन में डेटा मिलेगा, और वहां से हम कंसोल कर रहे हैं। हम सेव करते हैं, यहां पे अपने टर्मिनल को क्लियर करते हैं और दोबारा रन करते हैं ऐप को। अब देखें, यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, बॉडी, और हम जरा उसे मैच कर लेते हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, और यहां से मैच कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, यूजर आईडी, आईडी, टाइटल, बॉडी। यहां तक बात समझ में आ गई, इसे हम देखते हैं, रीडेबल कर देते हैं और फिर जूम कर देते हैं। तो यहां पे अगर इस रिक्वेस्ट में कुछ कमी रह जाती है तो डॉट कैच के जरिए हम उस एरर को भी गेट करके कंसोल कर देंगे कि भाई कुछ एरर आ जाए तो हमें प्लीज वो एरर शो कर देना। ठीक है, तो अभी हमने फेच से एक गेट रिक्वेस्ट बनाई जिसने हमें डेटा लाकर दे दिया, और हमने डॉट देन से कहा कि जब भाई डेटा आ रहा है उसे आप जेसन में कन्वर्ट कर दें, और जब जेसन में कन्वर्ट हो जाए तो दूसरे डॉट देन से कहा कि उसे आप कंसोल कर दें। बस हमने इतना ही किया है, और फेच के बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, फिलहाल के लिए हमने एक गेट रिक्वेस्ट बनाई है फेच को समझने के लिए और एसिंक को समझने के लिए। तो अब यही काम हम एसिंक अवेट के जरिए करते हैं। इसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये हम बार बार डॉट देन लगाकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हम नहीं चाह रहे, हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए जो इसे और ज्यादा आसान कर दे। तो जावास्क्रिप्ट कहती है कि यही काम आप एसिंक फंक्शन के जरिए भी कर सकते हैं। तो हम एसिंक फंक्शन बनाते हैं, पहले लेट फंक, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया जो एक एरो फंक्शन है, और एक रिजर्व की है एसिंक। ये एसिंक फंक्शन बन गया। अब एसिंक फंक्शन क्या है, हम यहां पे नोट कर देते हैं। एसिंक फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, जिस तरह कि ये फेच एक प्रॉमिस रिटर्न करता था। तो रिटर्न प्रॉमिस, और जब प्रॉमिस रिटर्न होता है तो हमें डॉट देन और डॉट कैच की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसी ही अजाब से बचने के लिए हम एसिंक फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो हमें डॉट देन और डॉट कैच नहीं चाहिए। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही चीजें कॉपी पेस्ट करेंगे। यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कॉल किया फेच को, हम यहां से कॉपी कर देते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एसिंक कहता है कि एक कीवर्ड है अवेट, ये आप लगा दें डॉट देन की जगह। अवेट क्या करता है, अवेट कहता है इंतजार करें जब तक कि ये प्रॉमिस रिजोल्व नहीं हो जाता। अवेट सिर्फ इतना काम करता है। तो ठीक है, जब ये प्रॉमिस रिजोल्व हो जाए तब क्या करें, तब ये करना है कि जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट
रिस्पॉन्स हमने दूसरा स्टेप किया था कि इसे जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले हमने फेच किया फिर हम जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां भी हम जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं कि लेट रिस्पॉन्स अवेट, के इंतजार करें जब तक कि जेसन में कन्वर्ट ना हो। तो डेटा डेटा जो हमारा यहां से मिलेगा वो फेच डेटा में सेव हो जाएगा, तो फेच डेटा में जो जो भी डेटा है उसे जेसन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तीसरा स्टेप हमने क्या किया था, हमने उसे कंसोल किया था, तो हम इसे कंसोल कर देते हैं कि जब जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो रिस्पॉन्स में सेव हो जाएगा, तो हम यहाँ रिस्पॉन्स को कंसोल कर देते हैं। तो वही स्टेप हमने किए हैं बट विदाउट देन एंड विदाउट कैच। यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देते हैं एसिंक को कि एसिंक भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, अगर मैं होवर करूं तो यहाँ वो दे भी देगा, ये देखें ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और एसिंक के बाद हमें एक कीवर्ड मिल जाता है अवेट का जो कहता है कि इंतजार करें जब तक कि ये प्रॉमिस रिजोल्व नहीं हो जाता, और जब ये रिजोल्व होगा तब ही ये कोड आगे बढ़ाएगा, वरना ये यहीं पे रुका रहेगा जब तक ये रिजोल्व या रिजेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अब हम इसे चलाते हैं, उससे पहले हम इसे कमिट कर देते हैं। URL को कमिट इसलिए नहीं कर रहे कि वो यहां पे यूज हो रही है, और फंक्शन को कॉल कर देते हैं, सेव करते हैं, अपनी ऐप को रन करते हैं। ये देखें हमें सेम डेटा दोबारा से मिल गया, बट फर्क ये है कि अब हमें एसिंक के जरिए ये डेटा मिल गया, और यहाँ पे हमें इस अजाब से भी छुटकारा मिल गया, डॉट देन डॉट कैच, हमें इसकी जरूरत ही नहीं। एसिंक कहता है आप अवेट का यूज करें, जब ये प्रॉमिस रिजोल्व हो जाएगा तो मैं कोड को आगे बढ़ा दूंगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और हमने उससे कहा कि जब आप डेटा लेकर आ जाएं तो उसे जेसन में कन्वर्ट कर दें, और दोबारा अवेट लगा दिया कि जब जेसन में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आप आगे ना बढ़ें, वो आगे नहीं बढ़ा, और जब जेसन में कन्वर्ट हो गया तो हमने उससे कहा कि आप इसे कंसोल कर दें, और उसने कंसोल करके हमें डेटा सेव कर दिया। अब आप चाहें तो इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और किसी भी तरह की वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फंक्शन ही है, तो इसमें कुछ भी फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही था एसिंक, हम जरा सा समराइज कर लेते हैं आज की वीडियो को। हमने पहले फेच पढ़ा, और फेच क्या काम करता है, फेच एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और एक इसे API की जरूरत होती है, और फेच सिर्फ डेटा को गेट नहीं करता, वो डेटा को पोस्ट भी करता है, वो डेटा को अपडेट भी करता है, डेटा को डिलीट भी इससे कर सकते हैं, ये सब मेथड फेच में होते हैं, बट अभी के लिए हमने गेट किया है फेच को और प्रॉमिस को समझने के लिए, क्योंकि फेच एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और प्रॉमिस क्या है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। और जब हमने जब फेच हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हमें एक मेथड मिल जाता है डॉट देन और डॉट कैच का, क्योंकि उसको हैंडल करने के लिए, प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए, लेकिन हम इससे भी तंग आ गए कि बार बार डॉट देन डॉट कैच लगा रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट कहता है आप हमें एसिंक जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं आप हमारे एसिंक फंक्शन। एसिंक फंक्शन भी एक प्रॉमिस यूज करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और इसके साथ हमें एक अवेट का कीवर्ड मिल जाता है जो डॉट देन और डॉट कैच की जगह यूज होता है, जो कहता है आप इंतजार करें जब तक कि ये प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता, और इसमें भी एरर को हैंडल कर सकते हैं, बस बट उसके लिए ट्राई एंड कैच लगता है, वो एक अलग मौजू है, किसी और दिन उस पर भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए आप यहां तक समझ लें कि एसिंक भी जो काम हमने फेच के जरिए किया है वही काम हमने एसिंक के जरिए भी कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर कुछ बात समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।